हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर में। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग देखने वाले क्लास 10th का बैच डॉक्टर के सेशन नंबर की एक्सरसाइज 8.3 का प्रश्न संख्या 16, 17, 18। तो इसके पहले 15 तक के सारे प्रश्नों का सोल्यूशन मैं करा दी हूँ, तो सारे वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, या तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर लगातार क्वेश्चन को सोल्यूशन देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 का सबसे पहले सोल्यूशन लिखते हैं, 16, 17, 18 देखते हैं दोस्तों। तो 16 का सबसे पहले प्रश्न को यहाँ पे पढ़ लेते हैं। 16 में यहाँ पे बोल रहा है प्रश्न, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन थीटा बट्टा में टेन थीटा माइनस वन इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा लाना है, हम लोग को सिद्ध करके लाना है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले सोल्यूशन लिखते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग LHS लिखेंगे। LHS का फुल फॉर्म क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि बराबर के बाई और जितना भी होगा हमारा LH होगा, LHS होगा। तो हम लोग एक बार लिख लेते हैं प्रश्न को, क्या हमारा दिया हुआ है? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, और क्या दिया हुआ है? इंटू साइन थीटा, इंटू साइन थीटा, और बट्टा में क्या है? टेन थीटा। तो एक बार लिख लेते हैं टेन थीटा, और माइनस में क्या है? वन। तो ये हमारा LHS में हो गया। हमको लाना क्या? माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे, देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं कॉस थीटा होता है फॉर्मूला से, ठीक है ना। और इंटू में यहाँ पे है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। और बट्टा में देखिए, अब टेन थीटा बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। क्या पढ़े हैं? साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो फॉर्मूला याद रखना है। देखिए साइन से साइन खत्म हो गया, यहाँ पे बच गया है कॉस थीटा, और नीचे में बच गया, यहाँ पे माइनस में वन है, और यहाँ पे बच गया है ऊपर में वन, और बट्टा में कॉस थीटा, और माइनस में यहाँ पे क्या है? वन। देखिए ये वन कैसे है? क्योंकि साइन यहाँ तो कटा, तो यहाँ पे वन बच रहा है ना, तो वन हो गया। अब देखिए इधर में चलते हैं, यहीं पे देखिए कॉस थीटा और बट्टा में क्या है? वन बट्टा कॉस थीटा। तो ये भागा में है, इसको हम लोग गुना में चेंज करेंगे तो क्या होगा? कॉस ऊपर चल जाएगा, वन नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा? गुना में चेंज करेंगे तो ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा, और बट्टा मार जाएगा वन, और माइनस में यहाँ वन है, और इक्वल टू यहाँ पे देखिए कॉस में कॉस से गुना होगा तो क्या हो जाएगा? कॉस का स्क्वायर थीटा, और माइनस का वन हो जाएगा। बट्टा में वन लिखे या ना लिखे बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर क्या हो जाएगा हमारा? माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया हमारा आर एच एस के बराबर। अब ये कैसे आ गया देखिए, दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग पढ़े थे वन। अब हम लोग को लाना क्या? माइनस में साइन स्क्वायर थीटा ना लाना है। तो देखिए यहाँ पे रखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, इधर में ही रखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वन जो है प्लस में है, तो बाया साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा इक्वल टू। अब ये साइन स्क्वायर थीटा ये इधर प्लस में, तो उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए हम लोग को आया है क्या यहाँ पे? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो यहाँ पे भी देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन है, और हमारा आ रहा है इधर में कितना? माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि हमारा सही आया बिल्कुल सोल्यूशन। तो यही हो गया हमारा आंसर। ये आपको बताने के लिए लिखे थे दोस्तों, तो इसको मत लिख लीजिएगा, यहाँ तक आप नोट कीजिएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए LHS बराबर RHS, और ये हमारा हो गया प्रूव्ड। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे लिख लीजिएगा प्रूव्ड। इसी तरह से सोल्यूशन करना है दोस्तों सारे प्रश्नों को। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 17 में है। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं सोल्यूशन, यहाँ पे इरेज कर लेते हैं जो हमारा ये हो गया। अब यहाँ पे सोल्यूशन लिख लेते हैं। 17 में यहाँ पे प्रश्न है, बोल रहा है साइन 55 डिग्री इंटू कॉस 48 डिग्री बराबर लाना है, कॉस 35 डिग्री इंटू साइन 42 डिग्री। देखिए साइन को कॉस में और कॉस को साइन में बदल देना है। देखिए कैसे होगा, सबसे पहले यहाँ पे सोल्यूशन लिखिए, LHS लिखिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। LHS में हमारा क्या दिया हुआ है? साइन 55 डिग्री, तो 55 डिग्री लिख लेते हैं इंटू कॉस 48 डिग्री, तो कॉस 48 डिग्री लिख लीजिए। अब साइन को हम लोग कॉस में बदलेंगे, तो देखिए साइन साइन को कॉस में बदलेंगे कैसे? यहाँ पे थीटा का वैल्यू हमारा मान के चलिए कितना है? 55 डिग्री। यहाँ पे कॉस का थीटा का वैल्यू कितना है? 48 डिग्री। तो ये साइन थीटा बराबर क्या हम लोग फॉर्मूला पढ़े पढ़े हैं हम लोग कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री और माइनस थीटा, थीटा की जगह पे 55 है तो यहाँ पे 55 होना चाहिए ना। अब देखिए यहाँ पे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं? साइन थीटा, तो थीटा की जगह पे क्या है? 55, तो यहाँ पे हो जाएगा ना साइन थीटा इंटू, अब कॉस को साइन में बदलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन, क्या हो जाएगा? साइन 90 डिग्री और माइनस का 48 डिग्री, क्योंकि थीटा की जगह पे 48 है तो 48 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री में से हम घटा देते हैं 55, तो कितना आता है हमारा? 35। कितना आएगा? 35 डिग्री इंटू साइन, यहाँ लिख लेंगे साइन
और यहाँ पे 90 डिग्री में से 48 घटाएंगे तो कितना आएगा 42 डिग्री। अब देखिए ये हमारा आ गया है किसके बराबर, आर एच एस के बराबर। देखिए यहाँ पे है ना कॉस 35 डिग्री इंटू साइन 42 डिग्री, तो यही आपका आ गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसलिए एल एच एस बराबर आर एच एस, ये आपका हो गया प्रूफ। समझ में आया ना, समझ में आया तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। साइन 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री बराबर कॉस 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री। देखिए यहाँ पे कैसे करना है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद एल एच एस लिखेंगे, एल एच एस में हमारा प्रश्न दिया हुआ है साइन 25 डिग्री और इंटू में क्या है साइन 65 डिग्री, है ना। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे साइन 25 है तो इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या कॉस, क्या लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री लिख सकते हैं ना। देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा साइन 25 डिग्री। कैसे, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा होता है, तो थीटा का वैल्यू कितना है 25, तो यहाँ पे भी 25 हो जाएगा इंटू, यहाँ पे भी उसी तरह से करना है क्या हो जाएगा कॉस 90 डिग्री और माइनस का 65 डिग्री, माइनस का 65 डिग्री तो हमारा क्या हो जाएगा साइन 65 डिग्री, ये हो जाएगा। अब कॉस 90 माइनस थीटा यानी कि यहाँ पे घटा देना है, कॉस 90 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 65 डिग्री, तो 65 डिग्री हो जाएगा इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 90 में से 65 को घटा देंगे तो कितना आएगा 25 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हमारा कॉस 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री, तो आगे पीछे है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे लिख लेंगे कॉस 25 डिग्री को आगे लिख लेंगे और इंटू पीछे कर देंगे कॉस 65 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 65 डिग्री और ये आ गया हमारा आर एच एस के बराबर, ठीक है ना। यही हमारा हो गया प्रूव्ड, यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए एल एच एस बराबर आर एच एस, ये आपका हो गया प्रूव्ड। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन, नेक्स्ट यहाँ पे है 17 तो हम लोग देखिए 16 17 18 देख लिए, नेक्स्ट प्रश्न का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जो कि ये प्रश्न है, तो इस वीडियो को नेक्स्ट वीडियो हम लोग करने वाले हैं सॉल्यूशन। आज का वीडियो यहीं पे रखते हैं दोस्तों, समाप्त करते हैं। तो अगर जो आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।